याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कौम और मिल्लत के मसाइल सिर्फ दुआ पर खत्म नहीं हो जाते। अगर मेरी ये बात किसी को तकलीफ पहुंचा रही है तो मैं माजरत चाहता हूं, मगर सच्चाई को बयान कर रहा हूं कि सिर्फ दुआओं पर इक्तफा करने से कौम और मिल्लत के मसाइल हल नहीं हो जाते, बल्कि दुआ करना बेहद जरूरी है और दुआ करने के बाद मैदान कारसाज में आना पड़ेगा ताकि तुमको यह आजमाना पड़ेगा कि मेरी दुआओं में कितना असर है। जो कौम दुआ करके मैदान में आ जाती है, अल्लाह उनको नुसरत और कामयाबी समकिनार करता है। तारीख हमको यह बताती है कि कमली वाले मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने देखा कि ताइफ के सफर में आपको अपने खून में लहूलहान होना पड़ा। तारीख हमको यह बताती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए। तारीख हमको यह बताती है कि हक की सरबुलंदी के लिए इमाम हुसैन ने बातिल ताकतों से समझौता नहीं किया। हक को कामयाब करने के लिए नवासे रसूल ने अपनी गर्दन को कटा दी, मगर कभी अपनी गर्दन को बातिल ताकतों के सामने झुकने नहीं किया। यही पैगाम मैं आपको बता रहा हूं कि जमहूरियत में आपको अपने ना सर कटाने की जरूरत है, बल्कि ना आपको अपने सर को झुकाने की जरूरत है।